मेडिकल ऑफिसर जनाब यमो साहब, इंस्पेक्टर जनाब शाहनवाज चौधरी साहब, इंस्पेक्टर जनाब सोहेल मलिक साहब, उनके साथ आए हुए सरपंच साहिबान, कम पेशा साथियों, मैं आज वेलकम करता हूं इनको कि इन्होंने अपने कैपेक्स बजट में से 4-4 लाख रुपया जो है ये हेमोडायलो एनालाइजर और बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर जो है इन्होंने डोनेट किया है हॉस्पिटल को, और एक एम्बुलेंस जो है वो इन्होंने डोनेट की है। तो मैं प्रोग्राम शाहनवाज चौधरी साहब, रिस्पेक्टेबल मेंबर डीडीसी सोहेल मलिक साहब, हमारे साथ आए हुए सरपंच साहिबान मनोहरी साहब, वाहिद शाह साहब, जितने भी हमारे साथ बाकी सरपंच साहिबान यहाँ आए हुए हैं, मेरे स्टाफ मेंबर हूँ, सबको मैं आज के इस प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। और इन दो हस्तियों को मैं स्पेशल शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले इन्होंने हेल्थ के बारे में इशू उठाए, जिस फोरम पर भी पहुँच सकते थे इन्होंने डिफरेंट सेक्रेटरीज जो हैं सेक्रेट लेवल पर वहाँ तक पहुँचे, मिशन डायरेक्टर तक पहुँचे, वहाँ मसले उठाए इन्होंने हट के। और फिर यहाँ पर दी है, वहाँ पर मेरी पंचायत है, मैं अपने दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और शाहनवाज चौधरी साहब का तो शुक्रिया अदा करते हैं कि ये 40 साल पुरानी जो मांग है हमारी एम्बुलेंस की, सख्त जरूरत थी उधर 40,000 आबादी में, तो वो आपने दी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोहेल मलिक साहब का भी शुक्रिया कि वो भी हमारे लिए जो है बात करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जितने हजरात भी आए हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इसको थोड़ा खोले, खरीदी है उसको भी आज जो है इफ्तार करने के लिए, और उसके अलावा जो है एक एम्बुलेंस जो हमने रखी थी उसके लिए भी इफ्तार करने के लिए आपने आज जो बुलाया, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा और सोहेल साहब का, बल्कि रियाज साहब का भी, हम सब साथियों का, या हमारे सरपंच हजरात जो हैं हमारे साथ जो काम कर रहे हैं, हम सब के लिए प्रायोरिटी है, हम सब की कोशिश है अगर पहले नंबर किसी को तरजीह दी जाए तो उसके सुरनकोट जो हॉस्पिटल, जिस तरह शाहनवाज साहब ने बड़े विस्तार में बड़ी डिटेल में सारी चीज़ें रखी हैं कि हम वहाँ से शुरू हुए थे और पिछले 70 साल में हमने कितना सफ़र तय किया और पिछले 6 महीने में हमने कितना सफ़र तय किया है, तो आप इसको इस तरह मुआवजा करें कि आप 6 महीने के एक बच्चे का जो मुकाबला है वो 70 साल के बुज़ुर्ग से करवा रहे हैं, और इंशाल्लाह इनकी गाइडेंस में, या हमने जो मिलजुल के जितना भी हमसे हो सका, वी हैव लेफ्ट नो स्टोन। उन्होंने अपने कैपेक्स बजट में से एक एम्बुलेंस जो हार्डिम रोड के लिए शाहनवाज चौधरी साहब ने दी है, और यहाँ पे 8 लाख रुपये, 4 लाख रुपया सोहेल मलिक साहब ने और 4 लाख रुपया शाहनवाज चौधरी साहब ने, जो नोबलाइजर के लिए या इन चीज़ों के लिए जो हमें इस कोविड के बीमारी में काम आ सकती थी उनके लिए जो है वो पैसा डोनेट किया है, उसी के लिए आज वो मशीनरी जहाँ हमारे सुरकोट हॉस्पिटल में पहुंच चुकी है उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये प्रोग्राम रखा गया है। काम थी वहाँ पर काफ़ी अर्सा से, तो एम्बुलेंस ज़रूर थी क्योंकि हमारे कई जो लोग हैं वो इसी ज़िंदगी और मौत के मकश में जो है मर जाते थे, और वो जो है वहाँ पर हॉस्पिटल में जो है टाइम पर नहीं पहुँच पाते थे, तो इसलिए जब उन्होंने ये देखा कि वहाँ पर ज़रूर है तो उन्होंने एम्बुलेंस दी है, हम शुक्रिया अदा करते हैं शर्मा चौधरी जी का। सुरनकोट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, और इसके अलावा हमारे सुरनकोट में जितनी PHCs हैं उनमें बड़ा पोर
हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है। हालांकि हमारे यहाँ की सारा मेडिकल जो ऑफिसर्स हैं, PMO या डॉक्टर्स हैं, वो अच्छी कोशिश कर रहे हैं, मगर क्योंकि फंडिंग नहीं है और ना सरकार ने इस तरफ ध्यान दिया कभी कि हमारे जो ये फार फ्लंग एरियाज़ हैं, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाए और हेल्थ फैसिलिटीज़ यहाँ पे हों। इसलिए हमने जो मेरे पास जो डिस्पोजल पे कैपेक्स बजट था, उससे हमने जो है एक एम्बुलेंस, जो हमारी PHC हाड़ी मरोड है, बहुत फार फ्लंग एरिया, बहुत बड़ा एरिया है, उसके लिए एक एम्बुलेंस जो है वो रखी थी। आज वो एम्बुलेंस यहाँ पे आ गई है, हमने इसको फ्लैग ऑफ किया है। और उसके अलावा सुरनकोट हॉस्पिटल में, क्योंकि यहाँ मशीन्स की ज़रूरत थी और यहाँ जो टेस्ट थे, एडवांस्ड जो टेस्ट थे, उन टेस्ट के लिए यहाँ मशीन्स नहीं थी एडवांस्ड, तो हमने जो है, मैंने और हमारे सोहेल मलिक साहब ने, रियाज साहब ने, सब ने मिलकर हमने कुछ फंड्स रखे थे हॉस्पिटल के डिस्पोजल पे रखे थे, उसकी वजह से आज जो है बायो केमिस्ट्री एनालाइज़र मशीन और हेमाटोलॉजी एनालाइज़र मशीन जो है वो भी खरीदी गई हैं, उनको भी आज अदा किया गया है। इसके अलावा मैंने जो है वो सरकार से काफ़ी देर से मैं फॉलो कर रहा था कि यहाँ सुरनकोट में डिजिटल एक्सरे मशीन नहीं है। डिजिटल एक्सरे मशीन की वजह से, ना होने की वजह से लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। वो भी डिजिटल एक्सरे मशीन कुछ दिनों में जो है जल्दी ही सुरनकोट हॉस्पिटल में जो है वो आ जाएगी। इसके अलावा हमारी कोशिश है कि इस आने वाले साल में ज़्यादा से ज़्यादा और जो है वो बेहतर जो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया जाए। हमारे साथ जो है यहाँ हमें और सारे यहाँ के सरपंचीज जो हमारे हैं वो भी बड़ा अच्छा कोशिश कर रहे हैं, वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि यहाँ अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तो हमारी कोशिश है कि हम आने वाले वक्त में सुरनकोट में बेहतर हेल्थ फैसिलिटी।